सरगुजा में सीतापुर विधायक राम कुमार टोप्पो का अनोखा अंदाज दिखा, जहां वे 8 किलोमीटर पैदल चलते हुए अपने विधानसभा के पहुंच विहीन क्षेत्र बंदरकोट पहुंचे और बंदरकोट और बकरलोटा में निवासरत लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी। विधायक ने बुनियादी सुविधाओं समेत पहुंच मार्ग बनवाने का वायदा किया है। इस दौरान विधायक ने ग्रामीण महिला के साथ बर्तन धोए। ग्रामीणों ने बताया कि आज़ादी के बाद आज पहली बार कोई जनप्रतिनिधि उनके इलाके में ऐसे पहुंचा है। बहुत कितना कई धार लिख पढ़ के देते हैं, यहाँ कर पब्लिक मन कहीं जगह अबे नहीं करे, ना स्कूल का भी साधन नहीं है, बाल बच्चा ऐसे घूमत रहते हैं, जंगल में चराई मारत रहते हैं। आज हम लोग विधायक जी को अवगत कराया गया है, रोड बिजली पानी यहाँ बहुत परेशानी था, इस संबंध में हम लोग अवगत कराए गए। ग्रामीणों के साथ हम गए थे, इतना सुंदर दृश्य है, इसको पर्यटन के लिहाज से विकसित किया जाएगा, उसी लिहाज से भी हम लोग दौरे पे गए थे और साथ ही साथ जनता का यहाँ की समस्याएं देखी, यहाँ के लोगों को मांग को सुना और कई मांगों को तत्काल रूप से भी पूरा किया गया है और निरंतर हमारा यहाँ पर आना जाना रहेगा।